गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल कंटिन्यू आवर चैप्टर चैप्टर 90 रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टुडे विल डिस्कस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यू मस्ट हैव सीन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ वेट सॉइल आफ्टर रेन्स। सिमिलरली व्हेन वाटर एक्युमुलेट इन पूडल्स एंड पॉन्ड्स यू सडनली सी मेनी फ्रॉग्स इंसेक्ट्स फिश एंड मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन देम। वेयर डू दीज ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम? बारिश के दिनों में आप देखते होंगे कि गीली मिट्टी में बहुत सारे अर्थवर्म आपको देखने को मिलते हैं और जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, छोटे छोटे तालाब में या गड्ढों में पानी जम जाता है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रॉग्स, इंसेक्ट, फिश, बहुत सारे प्लांट अपने आप उगते हुए दिखते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये सारे ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आते हैं? फिश है या फ्रॉग है, ये कहाँ से आते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय मीन्स एन एक्टिविटी। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एक्टिविटी के जरिए। एक्टिविटी 6, टू ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्सेस ए एंड बी, फ्रेश काउ डंग पेपर टू कवर बॉक्सेस, रबर बैंड एंड मैग्नीफाइंग लेंस। आपको क्या करना है? दो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लेने हैं, ए और बी। फ्रेश काउडंग, गोबर खाद ले, गोबर लेना है। पेपर टू कवर रबर बॉक्सेस, पेपर टू कवर द बॉक्सेस, उन बक्सों को कवर करने के लिए आपको एक पेपर लगेगा, रबर बैंड एंड मैग्नीफाइंग लेंस, और एक मैग्नीफाइंग लेंस। पुट फ्रेश काउडंग इन बॉक्स ए एंड बी। Cover the box A in such a manner that no insect can sit on the cow dung in it. A को आपको ऐसे कवर करके रखना है कि उसके ऊपर कोई इंसेक्ट ना बैठ सके बाहर से, मतलब पूरी तरह से आपको उसको ढक लेना है गोबर डालने के बाद। लीव द cow dung इन बॉक्स B ओपन, और B को वैसे ही ओपन करके छोड़ देना है, उसको कवर नहीं करना है ऊपर से। यू विल फाइंड इंसेक्ट सिटिंग ऑन इट। आप देखोगे कि उस गोबर पे कीड़े आपको बैठते हुए दिखेंगे। ऑब्जर्व बोथ दीज बॉक्सेस केयरफुली फॉर 2 or 3 days। दो तीन दिनों तक आप उन बक्सों की तरफ ध्यान अच्छे से रखोगे, उसको ऑब्जर्व करते जाओगे। यू विल सी दैट आफ्टर अ फ्यू डेज देयर आर डिप्रेशंस इन द काउ डंग केप्ट इन बॉक्स बी। आप देखोगे कुछ दिनों बाद उस बी बॉक्स में जो गोबर रखा हुआ है उसमें छोटे छोटे गड्ढे फॉर्म होंगे और उसमें आपको कीड़े मिलेंगे। इफ़ यू स्क्रैच द डिप्रेशन लिटिल यू विल सी लार्वा इन देम। और आप जब उसको पूरे दोगे थोड़ा सा तो उसमें आपको बहुत सारे अंडे दिखेंगे। वेयर डिड दिस लार्वा कम फ्रॉम? दे हैव कम फ्रॉम द एग्स ऑफ द इंसेक्ट विच सैट ऑन द काउ डंग। जो कीड़े उस काउ डंग पे गोबर पे बैठे थे उन्हीं के अंडे उसमें आपको मिलेंगे। दिस लार्वा डेवलप इनटू इंसेक्ट। On the other hand, no larva are seen on the cow dung kept in box A. You would have now understood that no organism arises on its own. तो A में आपको कवर करके रखा था एक A वाले बक्से का गोबर खाद, इसलिए वहाँ पे आपको कोई इंसेक्ट या कोई लार्वा नहीं मिलेगा। For a new individual to arise, it is necessary that individuals of its own kind already exist. मतलब कोई भी इंडिविजुअल, उसके जैसा दूसरा कीड़ा तैयार होने के लिए पहले वाला कीड़ा वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, या उसके जैसा पहले होगा वही दूसरा मिलेगा। That is that we have already studied in the definition of reproduction. Ability to produce न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम काइंड। यू हैव रीड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट लाइक प्लांट एनिमल टू हैव मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। व्हेन दीज आर फाउंड इन सेपरेट इंडिविजुअल द एनिमल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। हमने प्लांट का जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, वैसे ही एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें सेपरेट इंडिविजुअल्स होते हैं, मैन फीमेल और मेल, तो इसीलिए एनिमल को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल। फॉर एग्जाम्पल मैन, काउ, कैट, इफ बोथ टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन सेम इंडिविजुअल देन द एनिमल इज कॉल्ड बायसेक्सुअल। और यदि बोथ ऑर्गन्स आर फाउंड इन द सेम एनिमल,
मेल और फीमेल ऑर्गन जो है कि इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो हम उनको बायसेक्सुअल बोलेंगे, जैसे कि अर्थवर्म है या लीच है आर द एग्जांपल्स ऑफ बायसेक्सुअल एनिमल्स। अपार्ट फ्रॉम द सेक्स ऑर्गन, डू यू थिंक देयर आर एनी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल एनिमल? इसके अलावा, सेक्सुअल ऑर्गन के अलावा, आप ऐसे कोई चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे आप मेल और फीमेल एनिमल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ काउ एंड अ बुल, अ ही गोट एंड अ शी गोट, अ हेन एंड अ कॉक। इन मेनी ऑर्गेनिज्म लाइकली झाड़, इंसेक्ट, वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं या लिजार्ड, छिपकली जैसे एनिमल्स हैं, तो उनके इसमें मेल और फीमेल फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे काऊ है, मतलब गाय है, बैल है, बकरा है या बकरी है, इस तरह से हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या मुर्गा मुर्गी, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। यू वुड ऑब्जर्व दैट एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर प्रोमिनेंट इन दोज एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन। देर आर वेल डिफाइंड सेक्स ऑर्गन्स इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, काउज एक्सेट्रा। द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स इज द टेस्टिस एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, दिज आर मेल गमेट। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसका नाम है टेस्टिस, उसमें प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म और उसको बोला जाता है मेल गमेट। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक है, देन एम्ब्रियो, हियर स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म्स, स्पर्म्स विच आर प्रेजेंट इन टेस्टिस, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल गमेट, मेल टेस्टिस में होता है स्पर्म। द मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरी, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी, वेयर द एग्स और फीमेल गमिट्स आर प्रोड्यूस, उसमें होते हैं एग्स, एग किस में होता है, ओवरी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कंपेयर टू द स्पर्म द एग्स आर मच बिगर, इमोबाइल एंड राउंडेड इन शेप। एग जो होते हैं वो कैसे है, इमोबाइल है, राउंडेड शेप के हैं और एक आसानी से इधर उधर मुँह नहीं होते, जैसे कि स्पर्म मुँह होता है इधर उधर, इसको टेल भी है, बट ये जो है राउंडेड शेप है और ये एक दूसरे से दूसरी जगह आसानी से मुँह नहीं होता है, इमोबाइल है। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द ओवरी द एग एंटर द फैलोपियन ट्यूब विच पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट एंड दिस इज वेयर द स्पर्म एंड द एग फ्यूज। जो ओवरी से वो अंडा बाहर आता है तो वो क्या होता है, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब में जाता है जो कि एक ओविडक्ट का पार्ट है, और वहाँ पे स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल इन मैन। फर्टिलाइजेशन जनरली क्या होता है, फीमेल की बॉडी में होता है, जिसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और एग्जांपल है मैन, ह्यूमन बींग्स। यू वुड हैव सीन एग्स ऑफ लिजार्ड्स एंड बर्ड्स, दीज आर फर्टिलाइज एग। हम आप लोगों ने अंडे देखे होंगे छिपकली के या फिर बर्ड्स के, तो ये फर्टिलाइज एग्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इन एक्वाटिक एंड एम्फीबियस एनिमल लाइक फिश एंड फ्रॉग टेक्स प्लेस इन वाटर। जो एम्फीबियंस है या एक्वाटिक एनिमल्स है, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स है, उनका फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली पानी में ही होगा। द फीमेल फ्रॉग ड्रॉप्स इट्स एग इन द वाटर एंड मेल ड्रॉप इट्स स्पर्म ओवर द एग्स। फीमेल ड्रॉप क्या करता है, फीमेल फ्रॉग जो है वो अंडा डालता है पानी में और मेल ड्रॉप उसके ऊपर स्पर्म डालता है। दिस कीप फ्लोटिंग इन वाटर फॉर अ वाइल एंड दे फ्यूज, और फिर थोड़ी देर वो पानी में तैरता रहता है और उसके बाद फ्यूज होता है, और ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन को जो आउटसाइड द बॉडी होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल है आपका फिश है, फ्रॉग है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एग इज कॉल्ड जायगोट। फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ जायगोट फॉर्मेशन होता है। आफ्टर सेवरल डिवीजन द जायगोट इज ट्रांसफॉर्म इनटू एन एम्ब्रियो। डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस स्लोली इन द एम्ब्रियो एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो उसमें क्या होता है, जायगोट का डिवीजन होता है और एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप होके कन्वर्ट होता है यंग ऑर्गेनिज्म में, और इसको बोला जाता है डेवलपमेंट। इन मैमल द डेवलपमेंट ऑफ यंग टेक्स प्लेस इन यूट्रस, दे गिव बर्थ टू फुल्ली डेवलप ऑफस्प्रिंग। मैमल्स में क्या होता है कि यूट्रस में पूरा डेवलप हो जाता है,
और वो बर्थ होता है तब वो फुल्ली डेवलप ऑफस्प्रिंग आता है। सच एनिमल्स को हम बोलते हैं ओविपैरस, मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस। एंड फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड एक्सेट्रा दे ले एग्स, जो अंडों से बच्चे को देते हैं, जन्म देते हैं, उनको बोलते हैं ओविपैरस। और डायरेक्ट जिनमें बच्चे पैदा होते हैं उनको बोलते हैं विविपैरस। इन मेनी ओविपैरस एनिमल द ऑफस्प्रिंग डू नॉट रिजेंबल द पेरेंट। ओविपैरस में क्या होता है, जो नया वाला ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो पूरी की तरह से पेरेंट्स के जैसा नहीं होता है। द यंग एनिमल विच कम्स आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड लार्वा, और द लार्वा डेवलप इंटू प्यूपा एंड प्यूपा डेवलप इंटू एन एडल्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस एंड ऑकर्स इन मॉस्किटो एंड फ्लाइज। मॉस्किटो और फ्लाइज में क्या होता है, एक एक स्टेज होता है। जैसे पहले फॉर्म होता है कि एक, फिर उसको हम बोलते हैं लार्वा। लार्वा का डेवलपमेंट होता है प्यूपा में, प्यूपा डेवलप होता है एडल्ट में। इस तरह से धीरे धीरे आपको एक पूरी तरह से क्या होता है, मॉस्किटो देखने को मिलता है, जो मॉस्किटो साइकिल हम पढ़ चुके हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ओविपैरस एंड विविपैरस एनिमल, जो अंडे से बच्चे निकलते हैं उसमें से आप लिख सकते हो। अभी 2 तो यहाँ पे ही दी है, फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड। 4 आर ऑलरेडी गिवन हियर, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स, बर्ड्स। देन 1 मोर यू राइट डाउन। विविपैरस में दे दो कैट, डॉग, ह्यूमन बींग। देन यहाँ पे यू ऑल्सो राइट हैन, हैन यू ऑल्सो मैंशन हियर। देन डॉग, कैट, ह्यूमन बींग, बहुत सारे हैं, बफेलो, जो आप देखते हो आस पास उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेम टू ओविपैरस एनिमल वेयर यंग वन रिसेंबल्स देयर पेरेंट, ह्यूमन बींग्स एंड कैट। Name two oviparous animals where, sorry, oviparous animals where the young one resembles. Then you write down here, young one resembles their parent, oviparous animals, hen and snake. Name two oviparous animals where the young one do not resemble their parent, do not resemble flies and mosquito. Name two animal whose offspring can start moving immediately after birth. Birds, right, name of two birds. Name two animal whose offspring can start moving or swimming immediately after coming out of the eggs. Frog and fish. You have read about sexual reproduction in plant where new organism arises from some part of the organism. In some microorganism like amoeba, the animal divides into two parts and each part becomes a separate individual. This is called division, binary fission. Fission का मतलब होता है breaking. तो एक बड़ा सा सेल है, उसका डिवीजन होता है और दो में वो क्या होता है, डिवाइड होता है, और ईच बिहेव एज अ सेपरेट इंडिविजुअल। उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन। बाई मतलब टू, दो हिस्सों में बटना, फिशन, और ईच पार्ट बिहेव एज अ सेपरेट इंडिविजुअल। बट इन एन ऑर्गेन, इफ एन ऑर्गेनिज्म गेट डिवाइडेड इंटू मेनी पार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, ईच पार्ट बिकम द सेपरेट इंडिविजुअल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन, रीजनरेट होना, फिर से जन्म लेना। तो एक साथ एक जो सेल है वो बहुत सारे हिस्सों में बट गया, तो ईच सेल बिहेव एज अ सेपरेट सेल। वो हर एक हिस्सा पूरी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। इन एनिमल्स लाइक हाइड्रा अंडर फेवरेबल कंडीशन, स्मॉल प्रोट्यूबरेंस कॉल्ड बर्ड अपियर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड ऑन फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिस बर्ड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड बिकम अ न्यू इंडिविजुअल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। हाइड्रा जैसे प्लांट को हम यदि देखते हैं तो हाइड्रा में पहले छोटा सा बर्ड आता है, यहाँ पे दिखाया होगा, ये छोटा सा बर्ड आता है यहाँ पे, और धीरे धीरे क्या होता है, वो बर्ड डेवलप होता है प्लांट में, और वो प्लांट फिर दूसरी जगह अपने आप सेपरेट होके बिहेव करता है एज अ सेपरेट इंडिविजुअल। इसको बोलते हैं बडिंग। You must have seen the tail of lizard separating from the body. Do you think that full-fledged lizard arises from the tail, or does the lizard grow new tail when broken parts of the organ develop again? It is called repair.
वहाँ टेल से तो वापस लिजार्ड नहीं आता है, बट वो टेल क्या हो जाती है, फिर से वापस आ जाती है। तो इसको जो बॉडी का कोई पार्ट अपना क्या हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों के दांत गिर जाते हैं तो वहाँ पे नए दांत आ जाते हैं, या कोई खरोच आ जाता है स्किन पे तो उसको ठीक करते हैं, दैट इज रिपेयर। वो क्या होता है, रिपेयरिंग ऑफ द ऑर्गन और सेल ऑफ द बॉडी, ऐसे बोल सकते हैं। रिपेयरिंग ऑफ द ऑर्गन, वो पर्टिकुलर ऑर्गन में वो क्या हो जाता है, नया सेल वहाँ पे डेवलप हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिपेयर। चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, रीड द चैप्टर एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड बडिंग इन हाइड्रा। थैंक यू।